BTS News Managing Director Mohammed Taufik. मैं सैदा फातिमा मदू, मैं सैदाबाद की रहने वाली हूँ. ये मेरे नानी का घर है. यहाँ पे मेरी आंटी मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का अटेम्प्ट करे, बट वो हो नहीं सका. थोड़े से वारा लगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगने की वजह से और मैं बच के निकल जाने की वजह से ज़्यादा बड़ा केस बुक नहीं हो सका. बट उन्होंने हर ऑलमोस्ट मेरे को मेंटल टॉर्चर उन्होंने 1.5 से 2 साल से कर रहे. कल टू मच हो गया मेरे को अकेला देख के. जब मेरे आसपास मेरे मॉम या मेरे बहना या कोई भी नहीं थे वो टाइम के ऊपर, दोनों जो उनकी बेटी है और उनू है, दोनों मिलके मेरे पे अटैक कर दिए. ये मेरा FIR तो आप लोग देख लिए होंगे. है वो, ये औरत है और ये औरत और उनकी बेटी है. इन लोगों इनके ऊपर यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के केसेस भी बहुत हुए हुए हैं. एक कुछ कैरेक्टर नहीं है मेरे कैरेक्टर के ऊपर, पूरा उन लोगों का पॉइंट आउट्स उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मैं मीडिया में हूँ या मैं मॉडलिंग फील्ड में हूँ. मैं हूँ, आई डू अग्री ऑन दैट. बट यहाँ का जैसा नहीं, महल्ले में आप अगर बाहर निकले किससे भी पूछेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे इन लोग. यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का केस भी करा दिया खानदानी घर के ऊपर. अगर जाके निकाल लिए तो मैं 110 प्रूफा निकाल सकती हूँ इनके अफेयर्स के या इनकी बेटियों के अफेयर्स के, जितने भी होना चाहे प्रूफ्स मेरे पास से आके अगर किसी को एतराज है तो ले सकते. सिंपली इसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हूँ, बस और कुछ नहीं. बोली बोल, ये बोलना जरूरी इसलिए था कि अगर कल के दिन मेरे पे फिर कोई हमला होगा तो फिर मेरे पास कुछ रहेगा. इसने जान दो बोल के मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल से घर में चुप जाने चुप बिठा रहे. खाला है जाने दो, खाला है जाने दो, खाला है जाने दो. अब तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तक भी हो गया. ऊपर से काउंटर केस में मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा के काउंटर केस करे. खैर वो उतना बड़ा केस तो उनके ऊपर, मेरे ऊपर भी कुछ भी नहीं पड़ा जब उनके ऊपर नहीं पड़ा तो, बट स्टिल मेरे पे पिटी केस पड़ा. लेकिन काउंटर केस में भी जो भी लिखा है वो पूरे डिटेल्स झूठ है. कितने जने मिलकर अटैक करे मैडम आपके ऊपर? 3 जने थे टोटल. क्या नाम है उन लोग का? रईसा जाफर, शाजिया तबस्सुम, सुमैया खानम. कितने बजे अटैक करे लोग? ऑलमोस्ट कल 7 बजे की बात है. कहाँ पे अटैक करे? यही घर में, हॉल में. एरिया का नाम क्या है मैडम? याकूतपुरा. आपका नाम क्या है मैडम? ज़ैदा फातिमा अहमद. पुलिस स्टेशन को गई थी, PS वाले बोले कि MLC कराना पड़ता अगर केस पक्का होना है तो उस्मानिया हॉस्पिटल को जाके MLC करा के आए. हम लोग MLC भी हो गया, वो बात भी कर दिए. MLC की रिपोर्ट है आपके पास? हाँ है भाई. उन लोग आ रखे, ये तो जो फाइल करे थे ये PS वाले जो दिए एक्नॉलेजमेंट वगैरह, ये है कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट है आपके पास? जी हाँ. और जो मेरे पास वो थे रिपोर्ट्स थे वो उन लोग आ रखे. मेरे फोन के अंदर कॉपी है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ.